भाई साहब वो कितना तेज गाड़ी चला रहा है, व्हाट द हेल भाई, चीटिंग है भाई। छह चक रहना यार, बैलेंस बनाना मुश्किल है, बट इस बार कर लेगी एंड हो जाएगा। एंड मैं खींच लिया, चढ़ गया भाई, इतना आराम से कैसे चढ़ गया भाई ये। ऑल राइट गाइज, यार कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में गाइज हम लोग इतिहास रचने वाले हैं पूरे यूट्यूब पे, यूट्यूब छोड़ो गाइज पूरे दुनिया में आज तक किसी ने भी यहाँ पे 6x6 फोर्ड एंडेवर को नहीं बनाया होगा। तो ये चीज तुम्हारे भाई ने फाइनली कर दिखाया है, छह चक्कों वाली एंडेवर आ चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में टायर खरीद करके यार हमारे दोस्त के गैराज में जाकर के मॉडिफाई करवाया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखना, फिलहाल ये वाली वीडियो देख लो, इस पे ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो पे हम लोग यहाँ पे 4x4 एंडेवर को लेकर के आए, ये 4x4 है, ये भी फुल्ली मॉडिफाइड है, टायर वगैरह आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग वाले लगे हुए हैं, हूटर वगैरह लगा हुआ है, एंड ये जो नीचे फोर्ड लिखा हुआ ना भाई ये लाइट जलता है, ठीक है, मतलब लाइटिंग सिस्टम वाला है। एंड यहाँ पे 6x6 में तो छह चक्के लगे हैं, इंटीरियर मॉडिफाइड है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा खून लग गया है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। मैं अभी लाते लाते भाई एक बंदे के ऊपर गलती से गाड़ी चढ़ा दिया था, खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे हॉस्पिटल भेजा दिया है। बट गाइज आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, हम लोग ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, ग्लास रनिंग चैलेंज करने वाले हैं, रिवर क्रॉस चैलेंज, हिल क्लाइंब चैलेंज, मतलब पूरा गाड़ी का A to Z इंजन से लेकर सस्पेंशन सब कुछ टेस्ट होने वाला है। देखते हैं गाइस यार 4x4 एंडेवर ज्यादा पावरफुल है एंड 6x6, एंड ऐसा चैलेंज पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने भी नहीं किया, यूट्यूब क्या रियल लाइफ में भी नहीं किया। तो मैं चाहता हूं प्लीज, अगर आप रियल इंडियन कार्स लवर हो, अगर आपको स्कॉर्पियो, थार, एंडेवर, लेजेंडर ये सब गाड़ियों से प्यार है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर ये वीडियो पे गाइस 10,000 लाइक्स आ जाते हैं एंड मेरे चैनल पे 1,50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं एंडेवर को भी, मतलब लेजेंडर को भी यहाँ पे 6x6 वाली मॉडिफाई करवाने वाला हूँ। कैसे मॉडिफाई करवाने में खर्चा लगता है और टाइम भी लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो गाइस यार चलते हैं एक एक करके दोनों गाड़ियों की काबिलियत ट्राई करने, लेट्स गो। ओके, सो पिछले मंथ आप सभी को याद होगा यार हम लोगों ने काफी सारा मीटअप किया था, मतलब यार जिन लोगों को मेरे से बात करनी थी उन लोग गेम में आए थे और मेरे से बात किए थे। तो इस महीने भी हम लोग ये कैंपेन फिर से चलाने वाले हैं, अगर आपको मेरे साथ गेम्स खेलना है, मेरे से बातें करनी है, मेरे फ्रेंड बनना है तो आप इजिली बन सकते हो यार। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया एक गेम का जिसका नाम है अल्ट वर्ल्ड, जिसमें आप इजिली यार मेटावर्स के मजे उठा सकते हो, मतलब यार शूटिंग कर सकते हो, किसी के साथ गेम खेल सकते हो, घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो पिछले महीने मैंने यार ये गेम को बहुत लोगों के साथ खेला, अगर यार आप भी मेरे साथ खेलना चाहते हो ये गेम तो यार जाके डाउनलोड करो, आपको बस यार डाउनलोड करना है, आप मेरे फ्रेंड ऑटोमेटिकली बन जाओगे, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो डेट ट्रैक्स गेमिंग, आपको मेरा आईडी मिल जाएगा एंड आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपका फ्रेंड बन जाऊंगा एंड हम लोग उसके बाद साथ में ये गेम खेलेंगे, ठीक है। आप मेरे से बात कर सकते हो, पूरा यार मिशन वगैरह साथ में पार करेंगे, है ना। तो गाइस यार जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके फोन और एंड्रॉइड आईफोन सब में चलेगा ये गेम, आराम से आप मेरे साथ खेल सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। ओके, सो वेलकम टू द फर्स्ट राउंड गाइस, हम लोग यहाँ पे अभी ड्रैग रेस लगाने वाले हैं, मतलब यार सिटी में, एंड आज का माहौल थोड़ा ठंडा है, सैटरडे है गाइस, आज तो थोड़ा यार उतना भीड़ भाड़ है नहीं ट्रैफिक में। तो मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ पहले 4x4 वाली एंडेवर को एंड इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा, रेस लगाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे है तो हम लोग थोड़ा लंबा रेस लगाएंगे ताकि गाइस यार गाड़ियों का स्पीड एंड बाकी काबिलियत भी पता चल सके। ओके, तो हम लोग यार थोड़ा ऑफ रोडिंग चले क्या, इधर आ जाए क्या, नहीं चलो ये थोड़ा गली कुच्चा तरफ से चलते हैं, ये वाला रास्ता मैं कभी नहीं गया हूं तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। रिवर वगैरह भी ये रास्ते में पड़ने वाले हैं तो लेट्स गो, थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा लेकिन मजा आएगा गाइस। मैं पहले ये वाली एंडेवर को चलाऊंगा एंड उसके बाद वो वाली एंडेवर को। तो यार ये गाड़ी बहुत मेरे को तेज क्यों लग रही है नहीं पता, बट आ जा भाई एंडेवर, आ जा, कोई चिंता वाली बात नहीं यार। तब तक मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, ये आप इंटीरियर देख सकते हो 4x4 एंडेवर का, एंड उतना कुछ ज्यादा आपको खास दिखेगा नहीं, लाइक यार नॉर्मल है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट खैर चलो रेस लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, चलो रेस लगाया जाए, गो। भाई साहब वो कितना तेज गाड़ी चला रहा है, व्हाट द हेल भाई, चीटिंग है भाई, छह चक्के तो उड़ाएगा क्या, डैम भाई कहाँ चले गया वो, क्या यहीं पे भाई, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन गाइस यार मैं एक सेकंड के लिए डर गया था भाई, कितना तेज चला रहा है वो। ओके, मेरी एंडेवर इतना नहीं भागी भाई, ये कौन था मेरे साथ, जान मुझके टकरा रहा है क्या। ओके गाइस, मेरी गाड़ी में कोई ऐसा क्यों लग रहा है, हम लोग धीरे जा रहे हैं। ओके
यार छह चक्के बोल के उसके छह के छह चक्कों में पावर है गाइस, ये सबसे बड़ी बात है, ये और इसमें हम लोगों में ये अंतर है। तो वो तो हम लोगों को फास्टेस्ट देखने को मिलने वाला है। एंड उस पे स्पोर्ट्स कार का इंजन लगवाया है मैंने। पहली बार जब हम लोगों ने थार को 6x6 बनाया था तब उसमें स्पोर्ट्स कार का इंजन नहीं था, तब वो इतना स्पीड नहीं दे रही थी, बट यार इसमें स्पोर्ट्स कार का इंजन मैंने लगवाया क्योंकि एंडेवर का इंजन सपोर्ट नहीं कर रहा था छह चक्कों को, तो स्पोर्ट्स कार का इंजन मैंने लगाया। एंड गाड़ी क्या भाग रही है, बंदा क्या भगा रहा है। ओके एंड भाई इससे टक्कर वक्कर भी लेना बहुत खतरनाक है भाई, एक बार अगर मेरे को ढकेल दी ना ये गाड़ी गाइज लिटरली मैं तो फेंका जाने वाला हूँ। बट यार बंदा गाड़ी अच्छा चला रहा है, बट खैर हम लोग आगे निकल चुके हैं गाइज। यार ये लंबी गाड़ियों में यही दिक्कत होती है यार, मोड़ने वगैरह में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बट खैर अभी पतला गली है, निकलते हैं आगे। एंड हम ही लोग ही आगे हैं भाई, वो धीरे धीरे चला रहा है, हम लोगों को भी बहुत आगे जाना है। एक दिन गाइज यार ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाले पहाड़ पे मेरे को ऑफ रोडिंग करना है, ठीक है। ये वाला पहाड़ जो आप बगल में देख रहे हो, ये पहाड़ के ऊपर भी किसी दिन वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा, किसी दिन क्या बहुत जल्द आएगा। बस आप लोग यार ओके यार ये पास आ रहा है, ओके चलो चलो चलते हैं, ओके आराम से। ओ शिट भाई कोई बात नहीं, ओके 6x6 आगे निकल चुकी है, लेट्स गो भाई। यार लगता है वही जीतेगी भाई, वो बहुत तेज चला रहा है, गाड़ी का पिकअप एक नंबर है यार, बहुत तगड़ा पिकअप है, स्पोर्ट्स कार का इंजन है तो ऑब्वियसली भाई पिकअप तो देगा ही देगा। ओके लेट्स गो, देख रहे हो कितना स्पीड में मुड़ रहा है यार। ओके ओके देखे, ओ वो बच गया भाई, ड्रिफ्ट बोलते, लेट्स गो एंड ओवर ओपी इन द चैट, लेट्स गो। लेकिन हम लोग को आगे निकलना है, एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग हारने वाले हैं यार, वो एक नंबर गाड़ी चला रहा है भाई, मोड़ वोड़ इतना स्पीड में कैसे मोड़ ले रहा है वो। ओके ठीक है ठीक है, हम लोग की गाड़ी भी ऑफ रोडिंग पूरा झेल सकती है गाइस, अभी तो ऑफ रोडिंग कुछ हुआ नहीं है यार, ऑफ रोडिंग वाले चैलेंज में देखना गाइस गाड़ी की हालत बदतर से भी बदतर होने वाली है। बट खैर अगर आप वीडियो पे नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एंड गाइस यार सब्सक्राइब भी कर देना। ओके चलो यार वो आगे भगा रहा है काफी अच्छा तेज, एंड यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, ज्यादा है नहीं। ओके पलट गया भाई, कैसे पलटा, लेकिन जैसे ही पलटा मौका अच्छा है गाइस, आगे निकलते हैं। एंडेवर हम, ओह शिट 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 शिट, ओके वो पलटा ही हुआ है शायद यार, मौका अच्छा है गाइस आगे निकलते हैं। वैसे वो पलटी कैसे भाई, छह चक्के वाली गाड़ी पलट कैसे सकती है यार, इतना भारी होता है भाई छह चक्के अगर कोई गाड़ी में है ना यार, वो एक तरीके का मॉन्स्टर ट्रक है यार। खैर हम लोग पहुंचने वाले हैं गाइस, ये यहां तक हम लोग रेस लगा रहे थे। ओके ये एक जो भी जगह है, ये जगह के बारे में को पता नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहुंचे, एंड वो अभी तक आया नहीं है। खैर कहाँ है भाई, पीछे रह गया है क्या। खैर चलो वो आ रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4x4 के तो मजे ले लिए हैं, अब बारी आ जाती है 6x6 की, मजे लेने की बारी, लेट्स गो। ओके सो गाइस यार 6x6 एंडेवर आ चुकी है, एंड यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा लंबा रेस लिया जाए, एंड गाड़ी का पिकअप भी बहुत तेज लग रहा है मुझे। ओके बट खैर रेस लगाएंगे तो कहाँ तक, ठीक है हम लोग अभी यहाँ पे हैं, आगे जाएं क्या कि इधर जाएं, इधर जाते हैं गाइस, इधर बहुत दिन हो गया इधर तरफ रेस नहीं लगाएं, थोड़ा छोटा रेस करते हैं। ओके नहीं थोड़ा सा लंबा, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, यहाँ तक रेस लगाते हैं, आ जाओ। नहीं ये वाले रास्ते से जाना है, अरे थोड़ा कच्चा रास्ता है शायद मेरे ख्याल से। ओके चलो गाइस यार इधर से चलते हैं, एंड 6x6 के साथ रेस लगाएंगे। ओके और राइट यार मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। चलो गाइस यार रेस लगाया जाए। ओके एंडेवर में अपना बंदा बैठ चुका है, आजा बगल में आजा भाई मेरे, तब तक मैं आपको इंटीरियर दिखा दूं यार। काफ़ी सिंपल इंटीरियर है, ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, महंगा वहंगा। चलो यार ये भी आ गया है, रेस लगाते हैं चलो। ओके लेट्स गो, रेस चालू हो गई क्या। हाँ चालू हो गई। चल 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 बेटा इसको आगे जाने देते हैं। एंड यार ये गाड़ी की पावर भाई, गाड़ी कैसे मुड़ रही है, ये देखो भाई गाड़ी में क्या पावर है। ओके पिकअप देख रहे हो भाई, ये गाड़ी रॉकेट है क्या, बुगाटी का इंजन लगा है क्या गाड़ी में। ओके चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं यार आराम से चलाएंगे। एंड मोड़ने में गाइस यार थोड़ा ना टैंक वाला फील आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने बड़ा बड़ा टैंक चलाते हैं ना एकदम सट से मुड़ जाता है टैंक वगैरह, एकदम मतलब चुटकी में मुड़ जाता है ना भाई, वैसा वाला फील आ रहा है यार। मतलब ना एंडेवर वाला फील बहुत कम आ रहा है, मॉन्स्टर गाड़ी का ज़्यादा फील आ रहा है मुझे, लाइक रियली मॉन्स्टर वाली तो फील दे रही है गाड़ी, एंड भाग भी वैसा रही है। मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ कितना जा रहा है। ओके ओके 200 जा रहा है, एंड उसके बाद थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है भाई, ऑफ रोडिंग नहीं करना है अभी, चैलेंज नहीं है, लेट्स गो भगाते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश में करता हूँ गाइस यार, लेकिन थोड़ा सा ना डर लग रहा है मेरे को चलाने में भाई 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 आराम से लेट्स गो, खाली रोड है, भगाते हैं 300 का स्पीड। ओके गाड़ी का टॉप स्पीड है 320 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल राइट यार इस पर कोई स्पोर्ट्स कार का इंजन लगा है, मेरे को तो खाली डाउट था यार, अब तो डाउट रियलिटी में बदल गया भाई, गाड़ी भाग रही है काफ़ी तगड़ा भाग रही है। ओके लेट्स गो, रास्ता किधर से, अच्छा मेरे को इधर से जाना है क्या। ओके ठीक है
चलो वो भाई गाड़ी ना थोड़ा अलग लेवल का परफॉर्म कर रही है गाइस। अभी तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब अगला हम लोग ओके ठीक है हम लोग जब यार रिवर क्रॉस चैलेंज, वाटरफॉल चैलेंज, ऑफ रोडिंग चैलेंज जब करेंगे ना, तब भाई साहब जो फील आने वाला है ना। वैसे यहाँ हो क्या रहा है, कुछ पार्टी आटी है क्या यार बाइकर लोग का? खैर जो भी है, हम लोग आगे निकलते हैं यार, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके लेट्स गो। ये आप देख सकते हो फिनिश पॉइंट गाइस यार। एंड भैया हम लोग यहाँ पे 6x6 एंडओवर के साथ पहले पहुंचे, तो यार 4x4 तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है, बट गाइस यार फील लेकर के मजा आ गया। गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है यार, मतलब नॉर्मल गाड़ियों से ना, मतलब इंडियन गाड़ियों से तो ज्यादा ही तेज है भाई। इंडियन गाड़ियां 300 का स्पीड नहीं पकड़ती है, 300 पकड़ ले रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। इंजन वगैरह तगड़ा लगाया हुआ है बंदे ने। खैर अगर आपको मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो कल आई थी, मैंने कल डाली थी, तो आप ये वीडियो के बाद आप देख सकते हो। ठीक है फिलहाल चलते हैं अगले राउंड पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वेलकम टू अनदर चैलेंज यार। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ग्लास रन चैलेंज। वैसे यहाँ पे कुछ कांच टूटी कैसी है भाई अपने से, बट खैर जो भी है मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये कांच बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लाइक इसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी इंडियन गाड़ियों को भगाया था। एंड यार ये कांच टूट जाता है, ये कांच में ज्यादा से ज्यादा 100 किलो तक का हम लोग वेट रख सकते हैं, उससे ज्यादा रखने से ये कांच टूट जाता है। ठीक है ये देखो गाइस यार, जस्ट भाई यार अगर हल्का सा भी इसके ऊपर क्रैक है ना, तो अगर आप इसके ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते भाई, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है जैसे कि मैं आऊं एंड अगर इस पे क्रैक नहीं है, देखो यहां पे क्रैक नहीं है, मैं खड़ा हो सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटा सा भी खरोच लगा हुआ, जैसे कि ये सामने वाला देखो, ये कांच पे क्रैक लगा हुआ है, मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा भाई, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है ये देखो गाइस इतना कमजोर कांच है। एंड अगर हम लोग गिरेंगे तो, अभी तो फिलहाल हम लोग यार यहाँ पे गिर रहे हैं, बट यार हम लोगों को पूरा ऑल द वे भगाते हुए हम लोगों को ये वाले ब्रिज को पार करना है। ठीक है ये जो ग्लास ब्रिज है, एंड अगर गिरे तो हम लोग भैया पानी में गिरेंगे, ज्यादातर गाड़ियाँ ये वाली कीचड़ वाली नदी पे ही गिरती है। देखते हैं गाइस कौन कौन सी गाड़ियाँ ये वाले ट्रैक को पार कर पाती है, लेट्स गो। ओके सो गाइस यार मैंने नए कांच लगवा दिए हैं जिसमें एक भी खरोच नहीं है, तो हम लोग पहले यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं 6 चक्के वाले एंडियोवर की। एंड क्या लगता है गाइस ये निकल भी पाएगी? ओके यार ये फास्ट है, निकल सकती है, बट गाइस यहाँ पे बैलेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगर गाड़ी बैलेंस बना पाएगी तभी निकल सकती है। ओके तो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, लेट्स गो फुल स्पीड एंड काफी प्यारा बैलेंस। ओके लेकिन यार गाड़ी हिल गई, काफी बुरी तरीके से हिल गई यार, मेरे को एक बार फिर ट्राई करना पड़ेगा, पूरे कांच टूट चुके हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं गाइस यार। कांच में ना गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है यार, इसलिए ऐसा दिक्कत होता है, बट कोई बात नहीं एक और अटेम्प्ट दिया जाए, लेट्स गो। गाड़ी को मैंने थोड़ा भी ठीक ठाक नहीं किया है, जस्ट की तैसे गाड़ी, एंड प्यार से मैं इस बार ना थोड़ा धीरे ले जाऊंगा, फुल स्पीड। ओके ओके गाड़ी गिर रही है क्या? ओके नहीं, ठीक है उछल रही है। ऑलराइट यार गाड़ी कितनी ज्यादा हिल रही थी, एंड हम लोग सीधा पानी पे गिर गए, कोई बात नहीं गाइस यार, मेरे को एक पल के लिए लगा था गाड़ी कर लेगी, लेकिन मैं और अटेम्प्ट नहीं देने वाला। इस बार गाड़ी बहुत ढुचुक होके आई है, एंड मैंने ज़्यादा इस बार स्पीड भी नहीं दिया ताकि यार बैलेंस ना बिगड़े, बट गाइस गाड़ी की वेट की वजह से गाड़ी यहाँ पे फेल हो चुकी है यार, लगभग फेल है, एंड लगभग पास भी मैं कर सकता हूँ अगर स्पीड पे ले गया तो, बट और मैं इसको तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा ये, और मैं कोई गाड़ी को तीसरा अटेम्प्ट नहीं देना चाहता। तो गाइस चलते हैं एंडओवर 4x4 को ट्राई करने, लेट्स गो। क्या लगता है गाइस हमारी 4x4 एंडओवर ये चैलेंज कर पाएगी? ओके थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा डर है, बट दो अटेम्प्ट दिया जाएगा, एक अटेम्प्ट थोड़ा स्पीड में एंड दूसरा अटेम्प्ट थोड़ा स्लो में। ओके लेट्स गो, थोड़ा स्पीड पे दिया जाए। ओके ये तो उछल गई। ऑलराइट गाइस यार ये तो उछल गई भैया स्पीड में, एंड गाड़ी सीधा नीचे आ चुकी है यार लिटरली भाई, मेरे को लगा था ये कर लेगी स्लो में स्पीड में किसी दोनों में कर लेगी, लेकिन यार ये तो गिर चुकी है। एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा इस, बट इस बार थोड़ा स्लो पे ले जाएंगे। ठीक है ओके मैं गलत जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो गाइस यार एक और अटेम्प्ट, गाड़ी को मैंने बिल्कुल ठीक ठाक नहीं किया, जैसी की तैसी है, लेट्स गो। थोड़ा इस बार स्लो वाला स्पीड पे, ओके नहीं कर पाएगी ये एंडओवर भी नहीं कर पाएगी गाइस, दोनों एंडओवर मिलके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस गाड़ी का वेट है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है गाड़ी का वेट की वजह से ये दिक्कत हो रहा है, बट मैं एक बार फिर 6x6 को ट्राई करूंगा लास्ट ट्राई। ओके यार ये अगर उस बार कर भी लेगी ना तो गाड़ी विनर नहीं है, गाड़ी को मैं फेल ही रखूंगा, क्योंकि दो अटेम्प्ट में तो गाड़ी ने कर नहीं कर पाया, तो आखिरी अटेम्प्ट एक लास्ट ट्राई देते हैं, बट यार ये खाली मैं देखना चाहता हूँ कर सकती है कि नहीं वो गाड़ी। चलो गाइस यार देखते हैं क्या ये गाड़ी कर पाएगी, एंड ठीक ठाक है क्या? नहीं मैंने इसे ठीक नहीं किया है, जैसे कि तैसी है, लेट्स गो एक और अटेम्प्ट थोड़ा स्पीड में इस बार। ठीक है फुल स्पीड,
ओके ओके, गाड़ी इतना स्पीड है ना यार, बैलेंस बनाना मुश्किल है, बट इस बार कर लेगी एंड डैम ब्रो, गाड़ी ने कर दिखाया। लेकिन यार ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो गाइस गाड़ी फेल है एंड तीसरे अटेम्प्ट में मैं कोई गाड़ी को नहीं पॉइंट देने वाला। बट गाइस एक और ट्राई दूंगा, जो कि हम लोग यार नॉर्मल वाली एंडोवर स्टॉक मॉडल को, ठीक है, नॉर्मल विदाउट मॉडिफिकेशन। लेट्स गो गाइस, यार देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है भाई। यार ये पूरी नई है, मतलब जीरो मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, एंड ज्यादा स्पीड पे नहीं ले जाएंगे, प्यार से थोड़ा सा पीछे से। लेट्स गो भाई, गाड़ी तो बर्न आउट दे रही है यार, बट खैर कोई बात नहीं, लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या होता है। ओके शिट भाई साहब, आते ही साथ गाड़ी का गेम खत्म है। यहाँ पे मैंने भाई हिरण को एक गाड़ी चढ़ा दी, बट कोई बात नहीं यार, गेम वाला पार्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे नॉर्मल एंडेवर भी ये चैलेंज नहीं कर पाए, बट यार मजा तब आएगा ना जब हम लोग 6x6 थार को एंड 6x6 एंडेवर को इस चैलेंज पे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो बहुत जल्द वो वीडियो आएगी, बस आप ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स करवा दो, वो तुरंत मैं ला दूंगा। ऑलराइट गाइस, यार अनदर चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। बट यार आज यहाँ पे बरसात, ठीक है, तो यार यहाँ पे एक नदी का पानी बह रहा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं भाई, बरसात की वजह से ये पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एंड हम लोगों को करना क्या है, मैं दिखा दूं। वैसे यार मैंने ये बहुत बार दिखा रखा है, बट अगर कोई नया है ये चैनल पे या मेरे वीडियो पे, तो आपको मैं दिखा दूं, हम लोगों को ये पूरा रिवर को पार करना है तैरते हुए, ठीक है यार, अपनी गाड़ियों के साथ, एंड पूरा का पूरा यहाँ आना है, फिर उसके बाद ये वाले जगह को पार करना है। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये रिवर का, यहाँ देख सकते हो सबसे ज्यादा गड्ढा है, इसे पार करके हम लोगों को यहाँ पे आना है जहाँ पे स्कॉर्पियन वगैरह खड़ी है। तो क्या लगता है गाइस, दोनों में से कौन सी गाड़ी आ पाएगी, ठीक है यार। एंडओवर तो कर सकती है, 4x4 ने भी बहुत बार ये चैलेंज किया, एंड 6x6 तो आप लोगों को पता है बहुत पावरफुल है, बट चैलेंजिंग पार्ट ये है गाइस कि यार ये गाड़ी में ना यार सुपर कार के इंजन लगे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि गाड़ी का डिसएडवांटेज हो, बट खैर एडवांटेज भी बन सकता है, बट हम लोग को आगे पता चलने वाला है। तो हम लोग पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, एंड ड्योवर को गाइस, इसका लाइटिंग देखो, फोर्ड क्या चमकता है ना गाइस, अच्छा लगता है। मैं आपको इसका लाइट दिखाता हूँ जला करके, कैसा लग रहा है गाइस, पूरा लाइट चालू है परमानेंट वाला, बंद कर दूं क्या, बंद तो हो नहीं रहा, बट खैर यार चालू ही रख देते हैं। चलो गाइस यार इसे ही ट्राई करते हैं, पहली गाड़ी आज की फोर्ड एंडेवर 4x4 रैप्टर मॉडिफाइड गाड़ी, ओके, काफी प्यारा यार, बिना किसी दिक्कतों के साथ उछलते कूदते लिटरली भाई पहुंच गए। लेकिन यार दिक्कत बहुत ज्यादा है, हो जाएगा पार, ओके ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी मक्खन की तरह, एंड पानी को पार किया जाए चुकी गाइस यार, गाड़ी तैर की पार नहीं की भाई, ये मैंने देखा गाइस, जैसा थार यार महिंद्रा की गाड़ियां जैसे तैरती है ना भाई, वैसी कोई गाड़ियां नहीं तैरती है, मैं ये चीज नोटिस किया हूँ यार। फिलहाल अभी चलो इसको ये वाले गड्ढे वाले पॉइंट से निकाल देते हैं, निकल जाएगी कि नहीं, एंड बंद हो गई गाड़ी भाई, ये गाड़ी बंद हो गई है लिटरली, लाइट चालू है क्या, नहीं 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 गाइस यार लाइट वगैरह भी बंद हो चुका है। तो गाइस यार यहाँ पे फोर्ड ये बंद हो चुके हैं, 4x4 वाली एंडेवर नहीं पता कैसे गाइस यार, लेकिन ये मॉडिफाइड वाली है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गया हो, इंजन वगैरह में पानी गिर गया हो, बट खैर गाइस यार ये गाड़ी फेल हो चुकी है। लेकिन नॉर्मल वाली जो हम लोग स्टॉक मॉडल लाते हैं एंडेवर की, वो ये चैलेंज को कर लेती है, बट गाइस आज की चैलेंज पे ये वाली एंडेवर फेल हो चुकी है। चलते हैं 6x6 को ट्राई करने। गाइस यार अब बारी आ जाती है 6x6 वाली एंडेवर की, एंड देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो गाड़ी, ओ भाई गाड़ी में कितनी पावर है यार, गाड़ी एकदम झटके से चालू होती है भाई। चलो ओके ठीक है, ओके ओके ओके, गाड़ी तो पलट जा रही है, गाड़ी तो पलट जा रही है, सीधा हो जा ओके, लेकिन इंजन बंद नहीं हुआ है, इंजन बंद नहीं हुआ है, गाड़ी चल भाई भाई, ये गुलाटी वुलाटी नहीं मारना यहाँ पे, ये क्या कर रही है गाड़ी, ये क्या कर रही है भाई, यही करते करते गाड़ी बंद हो गई भाई, ये क्या था, गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, ओके फिर ट्राई करते हैं यार। ऑलराइट गाइस यार वेलकम टू अनदर चैलेंज यार, अब होने वाला है रियल पावर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एंडओवर को एंड ये छह चक्कों वाली एंडओवर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया रस्सी से, एंड जो गाड़ी खींच करके एक दूसरे को ये फिनिश पॉइंट को पार कर देगी वो गाड़ी होगी विनर, एंड गाड़ी चलाने वाला है आज हमारा फ्रैंकलिन भैया, ठीक है। तो देखते हैं क्या यार, ये पहले हमारी 4x4 को चलाएगा एंड हम लोग 6x6 को चलाएंगे, एंड देखते हैं गाइस किसमें कितना है दम, लेट्स गो। वो ओके 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 भाई भाई, पूरा बर्न आउट चल रहा है, लेकिन मेरे आगे कौन आ गया, ओके हट जा ना साले भाई भाई, गाड़ी बहुत पावर लग रहा है, लेकिन हो जाएगा एंड मैं खींच लिया थोड़ा सा आगे और ओके थोड़ा सा आगे और, लेकिन ये कौन सा गाड़ी इंटरप्ट कर रहा है, लेट्स गो भाई मैं निकाल दिया यार, ये छह चक्कों वाली गाड़ी में बहुत पावर है, ओके
ऑलराइट, लेकिन मानना पड़ेगा भाई वो 4x4 में बहुत तगड़ा पावर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट भाई, अच्छा अच्छा कर रहा है, हम लोग निकाल दिए खींच के। ओके ऑलराइट गाइस, यार उतरने दे भाई, रेस हो गई खत्म। ओके सही में गाइस यार 4x4 उसमें, अरे शिट शिट भाई गेट टूट गया, रुक जा भाई फ्रैंकलिन, रुक जा, कहाँ लेके जा रहा है भाई दोनों गाड़ियों को यार। गाइस यार लिटरली भाई फ्रैंकलिन ने ना जो गाड़ी चलाया यार लिटरली गेट टूट गया, बट कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पे 4x4 यानी ये एंडोवर को चलाने वाले हैं, एंड यार फ्रैंकलिन चलाएगा 6x6 वाली एंडोवर को, एंड देखते हैं क्या गाइस यार यहाँ पे 4x4 में ज्यादा पावर है या 6x6 में तो पावर मैंने देख लिया है, एंड अब 4x4 में देखा जाए। लेट्स गो भाई, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है भाई, भाई कितना पावर लग रहा है, ओके ओके भाई लेकिन बहुत पावर है, 6x6 में हिल नहीं रही भाई वो मेरे से। ओके ठीक है, मैं खींच लिया ओके निकाल लिया मैं, ओके ओके बहुत पावर है भाई 4x4 में ही बहुत पावर है, लेकिन यार जितना 6x6 में उतना 4x4 में नहीं है भाई, तो गाइस यार काफी ओके शेट भाई 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 पूरा खींच दे रहा है यार। ओके मैं भी खींच दे रहा हूँ, कम नहीं है मेरी 4x4 भी। ओके ओके बर्न आउट, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सीधा हो जा, सीधा मैं फिनिश पॉइंट ले जाके रहूंगा गाइस, लेट्स गो फुल पावर, एंड गाड़ी उसका घूम भी नहीं रहा, घूम जा साले। ऑलराइट गाइस हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो गाइस यार इस रेस पे दोनों गाड़ियों को पॉइंट दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक ही को, तो ये रेस के विनर दोनों गाड़ियाँ है गाइस। चलते हैं अगले राउंड पे, आप कौन सी गाड़ी को वोट दोगे कमेंट सेक्शन में बताना, लेट्स गो फिर से ट्राई किया जाएगा इस यार 6x6 वाली एंडोवर को। वो ये गाड़ी भाई बहुत अलग टाइप की है यार। ओके यार कुछ गाड़ी का स्पीड कुछ ज्यादा ही है गाइस, ये मैंने नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो भाई ये मैंने किया, ये मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, मैं इतना ज्यादा फास्ट गाड़ी कभी रखता भी नहीं हूँ अपने वीडियो, बट गाड़ी का इंजन ही कुछ ऐसा है, क्या कर सकते हैं। ओके काफी इजीली ये भी पार एंड, भाई साहब ये भी काफी इजीली पार एंड, गाड़ी पूरी की पूरी चालू है, लेट्स गो। ओके यहाँ से निकालते हैं, आराम से निकल जाएगी भाई, घंटा दिख। ओके बंद हो गई भाई, बंद हो गई भाई, आज क्या बात है यार, यहाँ पे फोर्ड की गाड़ियाँ डूबे में डूबे जा रही है, तो निकली भी नहीं भाई एंडोवर, कम से कम निकल गई थी वो 4x4 वाली, तो गाइस यार ये चैलेंज की विनर है वो पहले वाली एंडोवर, ये नहीं पता कैसे खराब हो गई यार, मैं सोचा था यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी तो मैं इसको और आगे ले जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि गाड़ी में कितना पावर है, बट ये तो इसका यहीं पे टाई टाई फिस हो गया यार। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने गाइस, लेट्स गो। वेलकम टू अनदर हिल क्लाइंब चैलेंज गाइस, एंड हम लोग दोबारा से आ चुके हैं ये पहाड़ के पास, एंड ये मेरा फेवरेट है यार, लिटरली मेरे को ये वाला चैलेंज अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का रियल ऑफ रोडिंग पता चलता है। सबसे पहले हम लोग को ये रिवर को पार करना है गाइस, एंड उसके बाद ये पथरीले पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, देखने में आसान है लेकिन मेरी मानो गाइस यार थार 6x6 छह चक्कों वाली मैंने जो मॉडिफाई करवाई थी, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना ये वीडियो के बाद, वो वीडियो में गाइस थार छह चक्कों वाली अटकी थी भाई यहाँ पे, बट यार 4x4 ने कर दिखाया था, बट आज अपने पास एंडोवर 4x4 है एंड 6x6 एंडोवर है, तो क्या लगता है गाइस कौन सी गाड़ी कर पाएगी, पहले 6x6 को ट्राई करते हैं। ओके लेट्स गो, पानी पार तो आराम से हो जाएगा गाड़ी का, बट ये चढ़ गया भाई, इतना आराम से कैसे चढ़ गया भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, एक बार फिर ट्राई करते हैं यार, कसम से भाई छह चक्कों वाले थार को जान निकल गई थी भाई ये चढ़ाई करने में यार, 10 बार चढ़ाया था तब जाके एक बार चढ़ी थी भाई। ओके भाई कितना आराम से चढ़ जा रही है, ये तो गॉड है गाइस, हिल क्लाइंबिंग की गॉड है लिटरली भाई, एंडोवर गॉड इन द चैट यार मेरे को लग रहा है ना मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ेगा, थार 6x6 वर्सेस एंडोवर 6x6 गाइस, लाइक पूरा का पूरा चैलेंज कर रही है भाई ये गाड़ी थार को यार। खैर वो वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं ला दूंगा, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट फिलहाल अपन चलते हैं हमारी 4x4 एंडोवर को ट्राई करने के लिए, मैं नीचे गिर गया, बट खैर गाइस यार डैम इतना तगड़ा परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी आराम से 6x6 एंडोवर चढ़ जाएगी, मेरे को लगा था स्ट्रगल तो हो गई होगा, गाड़ी स्लिप जरूर खाएगी, बट यार स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ यार मजा आ गया भाई, यार हैरान हो गया मैं देख के, बट खैर अब देखते हैं गाइस यार 4x4 वाली एंडोवर कैसा परफॉर्म करती है। ठीक है यार पीछे का लाइट भी चमकता है क्या, ओके चमक रहा था गाइस यार मैं अभी देखा, आप लोग भी देखे होंगे, चलो चढ़ाते हैं। ओके रिवर पार
एंड ये भी चढ़ गई भाई, एंड ओवर वगैरह पहाड़ वहाड़ चढ़ने में ना इन लोगों को दिक्कत होता नहीं है गाइस, ये मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई, बट थोड़ा बहुत दिक्कत है। देखो बर्नआउट वगैरह चक्के दे रहे हैं भाई, एक बार में चढ़ गए, ये भी थार के थार जैसा परफॉर्मेंस देती है। मैंने एंड ओवर वर्सेस थार भी बना रखा है, देखना आप वाली वीडियो में, काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट यार इतना प्यारा परफॉर्मेंस है मॉडिफाई वाली एंड ओवर कैसे कर रही है भाई, आज चढ़ना आसान हो जा रहा है क्या? नहीं नहीं गाइस दिक्कत हो रहा है, अब देखो दिक्कत हो रहा है। लेकिन पहले बार में यार तुक्के से चढ़ी थी मेरे को तो ऐसा लग रहा है, लेकिन यार सेकंड टाइम में थोड़ा दिक्कत। ओके देख रहे हो बर्नआउट होता है भाई, दिक्कत होता है यहाँ पे, ये देखो चक्के से। ओके बर्नआउट देखो ऑटोमेटिक भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फॉरवर्ड एक्सीलेटर दे रहा हूँ बस यार। ओके सामने जा, मुड़ना पड़ेगा गाइस थोड़ा। ओके मुड़ गई, चढ़ 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 चढ़, यहाँ पे थोड़ा स्लैंट है। ऑलराइट गाइस चढ़ चुकी है, थोड़ा सा ऊपर और, एंड यार देख सकते हो स्ट्रगल तो हुआ है भाई, बट यार 6x6 ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, तो यहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा 6x6 को। बट यार इक्वल पॉइंट दूंगा मैं, क्योंकि यार दोनों ने गाड़ी ने कर ही दिया है ऑलमोस्ट ऑल, यार आराम से कर लिया। ठीक है चलते हैं गाइस यार अगले राउंड पे, यार मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आखिरी में गाइस बहुत मजा आएगा, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार वेलकम टू अनदर चैलेंज, एंड ये चैलेंज यार वन ऑफ द डिफिकल्ट चैलेंजेस में से एक है। ठीक है यार यहाँ पे थार 6x6 फेल हुई थी, एंडेवर का क्या होता है देखते हैं, लेट्स गो। पहले हम लोग को गाइस ये नदी में यहाँ पे जंप करना है, एंड इसके बाद ये पूरा नदी पत्थरों से भरा पड़ा है। ठीक है ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा अंदर पत्थर लगा हुआ है, एंड हम लोग को ये रिवर को चलते चलते पार करना है। बहुत सारी गाड़ियां यार रिवर में ही बंद हो जाती है, एंड पत्थर वगैरह से टकरा करके और इंजन वगैरह डैमेज हो जाता है। बट क्या लगता है गाइस एंडेवर एंड 6x6 एंडेवर ये चैलेंज कर पाएगी कि नहीं? एंड यार यहाँ पे और देख सकते हो भाई झरने बने हुए हैं भाई, यहाँ पे तो लिटरली गाड़ियों की जान निकल जाती है यार, सस्पेंशन वगैरह टूट जाता है। बट जो गाड़ी ये सब पार करके इस ओबे पॉइंट तक पहुंच जाएगी वो गाड़ी बन जाएगी विनर, एंड देखते हैं गाइस दोनों में से कौन सी गाड़ी ये पूरे रिवर को क्रॉस कर पाती है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है यार, लिटरली बड़ी बड़ी गाड़ियां फील हो गई है यार, मर्सिडीज वगैरह फील हो जाती है, तो एंडेवर क्या चीज है। ठीक है तो लेट्स गो ट्राई करते हैं। पहली गाड़ी गाइस यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं नॉर्मल वाली एंडेवर को, लाइक यार जो मॉडिफाइड है खाली चार चक्कों वाली। ठीक है लेट्स गो। यार इसमें एक दिक्कत है कि गाइस अगर हम लोग का ये एंडेवर का जो वो बगल में लगा हुआ है ना डंडा, अगर उसमें पानी चले गया तो गाड़ी बंद हो सकती है, एंड गाड़ी पलट गई भाई। ओके उम्मीद करता हूँ गाड़ी बंद ना हो बस यार। ठीक है सीधा हो जा, गाड़ी चालू है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चढ़ाते हैं लेट्स गो। एंड यहाँ से थोड़ा मैं कवर ले लेता हूँ यार, ताकि यार गाड़ी को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाए, पूरा पानी में मोड़ना सही नहीं रहेगा। एंड बैक टू द ट्रैक लेट्स गो गाइस, गाड़ी को भगाते हैं, काफी प्यारा परफॉर्म कर रही है भाई बिना किसी दिक्कत के साथ, यार पानी पार होने वाला है। ओके यार काफी प्यारा जंप भाई साहब, यार एंडेवर के लिए तो ये चैलेंज बहुत ईजी था भाई, गाड़ी ने आराम से कर दिखाया, मैं सच बता रहा हूँ यार। थार को पार करवाने में जान निकल गई थी भाई ये चैलेंज पे यार, ले देके मैं थार को निकाला था। बट खैर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में एंडेवर ओपी इन द चैट लिख देना भाई, बिना किसी दिक्कत के साथ इवन गाड़ी पलट गई फिर भी ये चैलेंज कर दिखाया भाई यार, एंडेवर ओपी इन द चैट। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार 6x6 एंडेवर की, एंड देखते हैं क्या ये गाड़ी ये चैलेंज को कर पाएगी। वैसे ये मॉन्स्टर एंडेवर के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि यार लंबी गाड़ी है तो सस्पेंशन दिक्कत करे, बट गाड़ी का स्पीड देख रहे हो डैम भाई बिना रुके जा रही है। ओके ऑलराइट यहाँ पे थोड़ा अटका पत्थर की वजह से, बट खैर गाइस गाड़ी की स्पीड देखो, एंड सेकंड गियर में अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में आ गई तो डेफिनेटली बंद हो जाएगी, बट यहाँ पे गाड़ी फर्स्ट गियर में आने का नाम ही नहीं ले रही भाई साहब। यहाँ पे इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है ना यार एंडेवर 6x6 ने, मजा आ गया। एंडेवर 6x6 ओपी इन द चैट यार, इतना आसानी से आज तक कोई भी गाड़ी ने ये चैलेंज नहीं कर दिखाया, इवन यार थार 6x6 भी फेल हो गई थी। बट खैर चलते हैं अगले राउंड पे, वेलकम टू फाइनल शोडाउन गाइस। यार ये चैलेंज में होने वाला है यार ऑफ रोडिंग चैलेंज, यार आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है, देख सकते हो पूरा का पूरा जंगल कीचड़ों से भरा पड़ा है, एंड हम लोगों को गाइस यार ये जो नदी है ना ये नदी को पार करना है, एंड इस बार हम लोग सबसे गहरे तरफ से जाने वाले हैं, मतलब इधर तरफ से जाइए, ये वाला एरिया सबसे ज्यादा गड्ढा वाला है, हम लोग यार कोशिश करेंगे कि लाइक यार गड्ढे तरफ से जाए, क्योंकि पहले हम लोग इधर से जाते थे क्योंकि इधर थोड़ा ज्यादा गड्ढा नहीं होता था, बट इस वाले जगह पे बहुत ज्यादा गड्ढा है। ठीक है एंड हम लोग को अभी यार गड्ढे वगैरह पार करके ऑफ रोडिंग करके गैस स्टेशन पे जाना है प्रॉपरली, एंड यार दोनों गाड़ियां रेडी है, क्या लगता है गाइस कौन सी गाड़ी चैलेंज कर पाएगी? एंड हाँ यार वीडियो के एंडिंग तक आप आ चुके हो तो डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज लाइक करना, एंड चैनल पे नहीं होता तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि लगभग आपने मेरी वीडियो को आधे घंटे तक देख लिया, एंड आधे घंटे तक देख लिया तो आप मेरे फैन बन चुके हो यार, एंड फैन कभी अपने फेवरेट यूट्यूबर का
दिल नहीं तोड़ते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। एंड या अगर आपको नई गाड़ी चाहिए लेजेंडा 6x6 तो वो गाड़ी को भी मैं ला दूंगा अगर आप 150,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे। तो फिलहाल एंड ओवर को निकालते हैं। ओके काफी प्यारा यार, पेट से टकरा गया मैं, कोई बात नहीं भगाते हैं। चलो गाइज ओके काफी प्यारा, लेकिन यार मेरे को वो नहीं दिख रहा। ओके अरे यार हम लोग इधर तरफ आ गए यार, चलो इधर से एक बार पार करा देते हैं फिर गड्ढे तरफ से भी करवा देंगे, ठीक है। लाइक डबल टेस्ट हो जाएगा गाड़ी का, ठीक है, थोड़ा ब्रूटल हो जाएगा, हो सकता है गाड़ी बंद हो जाए, बट कोई बात नहीं, ट्राई करना तो बनता है। लेट्स गो, इसको पार करते हैं। ओके हो गया, थोड़ा सा आगे और ये हो गया पार। गाइस यार काफी प्यारा यहाँ पे परफॉर्मेंस। एंड उधर तरफ से चलते हैं लाइक गड्ढा पॉइंट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डीप वाला पॉइंट है गाइज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड्ढा रहता है, तो हो सकता है गाड़ी यहाँ पे डूब जाए, बट कोशिश करेंगे कि लाइक एक बार में निकल जाए। ओके ऑलराइट निकल रही है लेकिन गाड़ी पूरी डूब चुकी है। ओके यार गाड़ी का इंजन बंद हो गया, लिटरली गाड़ी का इंजन बंद हो गया है क्या यार, पी पे आ चुकी है इंजन, लिटरली गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है। मैंने कहा था गाइज अगर वो जो निकला हुआ है ना वो बगल से चक्के के बगल में लंबा सा रॉड निकला, अगर वो भीग जाए या गीला हो जाए तो गाड़ी बंद हो सकती है, बट खैर वो बंद हो गई थी एंड मैं गाड़ी को ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, कम से कम पारी करवा देते हैं। भाई मैंने कुछ आज ज़्यादा ब्रूटल टेस्ट कर दिया है गाड़ी के ऊपर वाटर टेस्ट को लेकर के, बट खैर हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, ऊपर चलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। ओके लेट्स गो, भाई मॉडिफाइड है, जल्दी चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, भाई पावर तो लेकिन लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओके चढ़ गई एंड भाई चढ़ गई यार, डैम ब्रो मजा आ गया। एंड ओवर ओपी इन द चैट यार, 4x4 ओपी इन द चैट। ओके मैं बस से टकरा गया लेकिन कोई बात नहीं यार, गाड़ी ने ये चैलेंज काफ़ी प्यारे तरीके से कर दिखाया, मैं गाड़ी को सीधा कर देता हूँ। एंड यार बोनट वगैरह खुल जा रहे हैं भाई, गाड़ी लिटरली हालत ख़राब हो चुकी है गाड़ी की, लेकिन गाइस यार गाड़ी ने लगभग ये चैलेंज कर दिखाया, बट थोड़ा आज ब्रूटल हो गया एंड ओवर के ऊपर, बट खैर मज़ा बहुत आया गाइस यार। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, 6x6 का क्या होता है देखते हैं, एंड ओवर की तो हालत खराब है यार। अब बारी आ जाती है गाइज आज की आखिरी 6x6 लेजेंडर की, मतलब एंडेवर की, ठीक है यार। लेजेंडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन में मैं लेजेंडर भी लाने वाला हूँ, 150,000 सब्सक्राइबर में आपको लेजेंडर मिल जाएगी 6 चक्कों वाली, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वो गाड़ी जल्द से जल्द चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल यार आगे निकलते हैं। ओके ठीक है भाई, ये गाड़ी को ना कंट्रोल करने में थोड़ा ना अजीब लगता है क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ऑफकोर्स यार स्पोर्ट्स कार का इंजन लगा हुआ है, तो मोड़ने में थोड़ा सा यार झिझक लगता है, बट स्टिल यार ये गाड़ी को चलाने में मजा तो बहुत आता है। खैर गड्ढे वाले पॉइंट पे चलते हैं, पार कराते हैं, स्पीड में ले चलते हैं, ठीक है, मतलब प्यार से वही। ओके गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ रही है भाई। ओके एक बार में निकल गई क्या? ऑलराइट गाइस यार एक ही बार में यहाँ पे एंडेवर में कर दिया, बट यार मैं चाहता हूँ एक ट्रिप और मारा जाए क्योंकि एक बार में मजा नहीं आया यार, क्योंकि गाड़ी को ब्रूटल नहीं मिला भाई थोड़ा। ओके ब्रूटल भाई सेकंड वाले में भी हो गया, तीसरा अटैम्प्ट ट्राई करते हैं, इस बार गाड़ी पार कर गई तो मजा आ जाएगा। ओके चलो 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 भाई मैं कहाँ से ले जा रहा हूँ, ये कौन सा जगह, ये तो सबसे ज्यादा गड्ढा है भाई, गाड़ी डूब चुकी है। ओके निकल गई भाई, गाड़ी चालू है, डैम ब्रो गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं है भाई। ओके अब हो गया, नहीं नहीं ठीक है ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी का इंजन बंद हो गया, इसको भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। चलो गाड़ी ठीक हो चुकी है गाइस यार, ज़्यादा पानी में ले जाने से एंडेवर का दिक्कत है गाइस, ये मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, ये पानी को उतना झेल नहीं पाती, बट थार लेजेंडर इन लोग झेल लेते हैं पानी को, ठीक है, मतलब इन लोग को पानी से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट एंडेवर को होती है। ओके बट यहाँ ऑफ रोडिंग में गाइस एंडेवर एक बार में चढ़ चुकी है, डैम भाई गॉड लेवल परफॉर्मेंस है यहाँ पे गाड़ी गई। ठीक है कोई बात नहीं यार, गाड़ी को थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत होता है, बट खैर यहाँ पे गाइस एंडेवर ने भी ये चैलेंज कर दिखाया, फिनिश पॉइंट पार करते हैं एंड गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करते हैं। एंड या आज की वीडियो में इतना ही, एंड यार अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सी गाड़ी विनर है, ठीक है। देखो कोई चैलेंज में वाटरफॉल रिवर क्रॉस ये सब में कभी कभी 6x6 अच्छा परफॉर्म कर रही है, कभी ग्लास रन में कुछ और, मतलब ये नॉर्मल वाली अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब दोनों को अपना ही अपना एडवांटेज है, लेकिन आप कौन सी गाड़ी को सपोर्ट करते हो 4x4 या 6x6 कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन यार मैं कहूँ तो 6x6 को थोड़े से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे क्योंकि वो ज्यादा देर तक झेल पाई है, एंड ऑफकोर्स यार 6 चक्के लगे, बड़ा इंजन लगा है, स्पोर्ट्स कार का लगा हुआ है तो झेलेगी ना, सिंपल सा बात है। बट खैर यार अगली वीडियो अगर आप चाहते हो लेजेंडर के ऊपर 6x6 लेजेंडर या फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो S11 या आपको अलग भी कोई और गाड़ी भी चाहिए ना यार, मतलब जो भी गाड़ी चाहिए वो मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको लेजेंडर नहीं चाहिए या स्कॉर्पियो चाहिए या जो भी चाहिए आप मुझे बस बता देना, मैं उसके ऊपर गाड़ी ले आऊंगा, बस बदले में सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इस तरह के कार मोड को लाने में, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे होता है सब्सक्राइब कर दो, एंड इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो स्क्रीन में आपको 2-3
तीन वीडियो मिल जाएगी, थार 6x6 वर्सेस 4x4 देखो भाई, वो वीडियो डैम बम है भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।